ऊपर से मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया लग रहा हूँ। किसान की हालत ये हो गई अंदर से, ये हालत है इस देश के किसान की, नौजवान की। ऊपर से अच्छा लग रहा है, इतना खोखला इन्होंने इस देश के किसान को कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। किसान महापंचायत आज दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रही है। हजारों की संख्या में किसान है, बार बार इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये किसान दिल्ली के बॉर्डर पर देखने को मिले थे, आंदोलन किया था और सरकार से मुख्य मांग MSP की लगातार कर रहे हैं कि किसानों को MSP पर गारंटी देनी चाहिए। लेकिन ऐसे में जब किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं तो क्या इसका असर दिल्ली की सरकार यानी केंद्र सरकार पर भी पड़ेगा? और तमाम सवाल है कि आखिर ये जो चुनावों से पहले किसान दिल्ली पहुंचे, इसके मायने क्या हो सकते हैं? क्या सिर्फ अपनी मांगों को लेकर या फिर चताया भी जा रहा है सरकार को कि कहीं ना कहीं अगर मांगे पूरी नहीं होती तो फिर सरकार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? चर्चा कर लेते हैं सीधे तौर पर। सर, दिल्ली आप आए हैं, महापंचायतें आपने पहले भी की है, दिल्ली के बॉर्डर्स पर आप पहले भी बैठे, लेकिन इस बार किस मकसद के साथ आए और क्या चेतावनी सीधे तौर पर सरकार? देखिए, चेतावनी नहीं, हमारी मांग है। हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी उस गूंगी बहरी सरकार से जो 3 सालों से हमारी मांग को नहीं सुन रही। और मुझे तो अफसोस होता है देश के कानून पर, प्रधानमंत्री पे, कि जिस चीज की सरकार 3 सालों से मांग, किसान मांग कर रहे हैं, उस कानून को ला ही नहीं रहे। अगर मांगते हैं तो कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी पाकिस्तानी बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं, और कहते हैं कि बात कर लो, बात कर लो। अरे बात कितनी बार बात करोगे? 5 साल निकाल दिए बात करने में आपके, और आप कह रहे हैं बात कर लो। और जिस कानून की जरूरत नहीं है वो रात को 8 बजे चालू करते हैं। मतलब डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, नजले की दवाई दे दे, डॉक्टर कह रहे हैं ना बुखार की लेकर जाओ, हम कह रहे हैं नजले की दवाई, वो बुखार की दे रहा। बड़े बेवकूफ़ हो गए भाई, जिस चीज़ की हम मांग कर रहे हैं वो हमें दे नहीं रहे, और कह रहे। और दूसरा काम क्या कर रहे? देखिए, पहले इन्होंने अपना वोट पाने के लिए जातियों को, बिरादरियों को, धर्मों को बांटा, अब इन्होंने किसान आंदोलन को भी बांटने की पूरी कोशिश की है। कुछ किसान आंदोलन के लोगों को इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड दे दिए, गाड़ी दे दी ताकि आंदोलन टूट जाए। हैं क्यों? जो मिशन के लोग हैं और जो सच्चे क्रांतिकारी किसान हैं वो कभी बिकेंगे नहीं, और जो दलाल हैं और जो कमीशन खोर हैं वो इनकी उंगलियों पर नाचने का काम करेंगे। इस मैदान के अंदर जो किसान आए हुए हैं ये वो मातृभूमि वाले किसान हैं, जो 80% किसान और मजदूर इस देश की गाँव की आबादी में रहता है, जिस देश की अर्थव्यवस्था उस किसान और मजदूर पर चलती, वो अपना हक मांगने के लिए आया है। और यहाँ किसानों को आप बांटने का काम कर रहे हैं तो याद रखो सरकार, तो हम किसानों को तुम कितना ही बांटने का काम करो, हम बटेंगे नहीं, तुम्हारी हड्डी से डालने के नहीं है। किसानों को सर, ठीक है, लेकिन सर किसानों की हितैषी सरकार है, किसानों के लिए देखिए सम्मान निधि लाती है। पीएम मोदी कहते हैं कि मैं देश के लिए समर्पित हूँ, मेरा जीवन विकसित भारत का संकल्प लेकर सरकार चल रही है, फिर भी आपको लगता है कि सरकार अभी काम नहीं कर रही है किसान विरोधी? अरे वाह, देखियो कितना बढ़िया, सरकार का, सरकार विरोध, सरकार हमारे पक्ष की। जो हमारा 50 किलो का यूरिया का कट्टा था वो 40 किलो का कर दिया, बिजली का बिल जो 800 का आता था वो 1200 का कर दिया, और हमें देते फकी भिखारी के रूप में 500 रुपए महीना किसान निधि। ए प्रधानमंत्री जी, ए देश की सरकार, हम आपको 5000 रुपए महीना देंगे, आप सरकार से हटो और किसानों के हवाले सरकार कर दो, हम तुम्हें 5000 रुपए महीना देने का काम करेंगे। हमारा 500 में हम 5000 देंगे आपको, ये सरकार किसानों के हवाले करो। 80% किसान है, हमको फकीर समझ रखा है, हमको गुलाम समझ रखा है। आप किसान आपके बहकावे में नहीं आने वाला है, आप किसान आपके चक्कर में नहीं आने वाला है, ये किसान को बांटने का काम करते हैं। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर वाकई में आपको ऐसा लगता है या है सरकार हमारे विरोधी है, तो आने वाले वक्त में इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। यही बात हो गई ना, जो इल्जाम आप पर लग रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं आप, तो फिर राजनीति पर आ गए कि इस बार 24 में हरा देंगे, तो किसान राजनीति पर नहीं, राजनीति गलत बात गुड़िया, राजनीति पर नहीं। मैंने कहा हमारे पास हथियार है, हथियार, ये हथियार बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान ने दिया है, तो वो हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, हमारे पास कोई और तरीका ही नहीं है, यही तरीका है वोट की चोट, ये तो हमारा अधिकार है। तो राजनीति से क्या इसका मतलब? आप लोग ये चाहते हैं और भाजपा ये चाहती है जो सरकार चल रही है कि हम वोट भी ना डालें, वोट का अधिकार भी हमारा खत्म हो, हम घर में बैठे रहे, हमने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी, हम तो नौजवान और किसान है, हम तो डंटे की चोट पर जाएंगे और अपने वोट का अधिकार करेंगे। वोट मांग रहे हैं ना, कह रहे 400+ सीटों से जितवाना है,
इस बार बीजेपी को ताकि बहुमत के साथ आए? बेईमानी से, ईमानदारी से नहीं, इंटरनेशनल बेईमान है वो, इंटरनेशनल बेईमान है। चंडीगढ़ में देखा है, मोहरी बेईमान है, इंटरनेशनल पूरी दुनिया ने देखा है। बेईमानी से जीत सकते, ईमानदारी से नहीं जीत सकते। और बेईमानी कब तक करेंगे? ये किसान मजदूर जब जाग जाता है ना, तो नौजवान जब सड़कों पर उतर जाता है, जो जिधर जवानी चलती उधर जमाना चलता है। हाँ, कुछ लोगों का काम ये हो रहा है, तुम्हें हमारे बीच में कुछ ऐसे हैं जो वो अपने पति को मार देने, यानी कि किसान समाज को, आवाम को, नौजवान को मार देना चाहते हैं एमपी एमएलए बनने के लिए। जैसा भी आपने जिक्र किया कि किसान नेता को वो मिला है, चौधरी चरण सिंह हमारे मसीहा हैं, किसानों के नेता हैं, मगर वो सम्मान नहीं, वो सौदा है, सौदा। आपने सौदा किया है, अगर आपको उनको सम्मान देना था तो 9.5 साल से आपकी सरकार चल रही है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल से, आपके पोते से, कि आप अगर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और हम मानते हैं, तो आपको इस सम्मान को लात मार देनी थी और किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़नी थी। उन्होंने किसानों की मजबूत नहीं लड़ी, किसानों की मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने। बोलिए, आप सवाल करिए। क्या क्या लगता है कि इस बार किसान जो मांग लेकर आए हैं, एमएसपी मुख्य जो मांग है आप लोगों की, सरकार मान पाएगी? देखिए, सरकार जिस टाइम शुरू में आंदोलन बॉर्डरों के ऊपर चलिया, बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन चलिया, उस आंदोलन के दबाव में सरकार ने हाँ भरी थी एमएसपी की, बिजली बिल 2022 की, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए, कमेटी के अंदर जो किसान संगठन है उनके नेता को शामिल करने के लिए, किसी में से एक भी काम सरकार ने नहीं किया। और जब तक सरकार नहीं करेगी, आंदोलन तो चलेगा। दूसरी चीज, जो हम मोदी मोदी, क्या पूरे उसके अंदर जहां भी आप ऐड के अंदर देखिए, जितना भी प्रचार के साधन है, हर साधन के ऊपर मोदी ने कब्जा कर लिया। कोई भी चैनल मजदूर के, किसान के हक की बात करने वाला है? मैं सवाल कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई है सब उठाने वाला? 2004 में बीजेपी की सरकार आई, उसके अंदर जो एक 14 की बात, नहीं 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 2004 में कब बीजेपी की सरकार, 2004 में बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री था और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी था, था उसके अंदर जो कर्मचारी 60 साल अपनी उम्र खपाता है सरकारी महकमे के अंदर, उसकी पेंशन खत्म कर दी। क्या मोदी ने अपनी पेंशन खत्म करी? एक बार बन गया एक पेंशन, चार बार बन गया चार पेंशन, पांच बार बन गया पांच पेंशन, यही है मोदी का चरित्र। दूसरी तरफ कमेरे वर्ग ने अपने खून बहाकर 44 कानून मजदूर और कर्मचारी के हक में अर्जित किए थे, उन 44 कानूनों को इस बीजेपी सरकार ने खत्म करके 4 लेबर कोड बना दिए, और वे 4 लेबर कोड भी उन पूंजीपतियों के हक में बना दिए। 8 घंटे की ड्यूटी थी, आज 12 घंटे 16 घंटे टाइम निर्धारित नहीं है, सरकार का मिनिमम वेज नहीं है, सरकारी महकमे आज जो नौजवान आप जैसे जो आज ये प्राइवेट कंपनियों के होके लेके हाथ में घूम रहे हैं और उन्हीं के गुणगान गा रहे हैं, क्या आप सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं? कहाँ गई सरकारी नौकरियां? सब बेच के खा लिया, सब पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आज इस देश के अंदर जाति और धर्म के ऊपर जो बांटा जा रहा है, सिर्फ दो तरह के लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात करते हूं, एक कमा के खाने वाला कमेरा वर्ग, एक लूट के खाने वाला लुटेरा वर्ग, सिर्फ दो लोग हैं। मैं सोनीपत हरियाणा से आया हूँ, सोनीपत हरियाणा के अंदर देखिए सरकार बदल गई है, यानी कि मुख्यमंत्री नए मिल चुके हैं आपको, डबल इंजन सरकार, फिर भी विश्वास। सुनिए, ये जो ड्रामा है, ये जो ड्रामा है, पर्दा गिरता है, पर्दे के पीछे कलाकार बदल जाते हैं। देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। नाम के लिए 17-18 बार चुनाव हो गए, 17-18 बार एमपी एमएलए बन गए। क्या जो कमेरा वर्ग उस टाइम उसका शोषण और उसके ऊपर जुल्म अत्याचार अंग्रेज करते थे, क्या उससे कम है आज या ज्यादा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जनता, आप सच्चाई आप ही खोलेंगे, जो कहा जा रहा है कि 10 साल बेमिसाल किसानों के लिए खुशहाली वाली सरकार। हाँ, मैं ये कहूँगा कि स्वामीनाथन जो थे उनको भारत रत्न दिया गया, चौधरी चरण सिंह को दे गया, उन दोनों महानुभावों की कोई बात मानी गई? चौधरी चरण सिंह कहते थे भारत का विकास खेत और खलिहान से होगा, और खेत और खलिहान वाले कमा के दे रहे हैं,
यही मोदी जी और योगी जी से कहा जाए कि 2 एकड़ गेहूं पैदा करो, फिर उसको बांट के दिखाओ खैरात में। ये हमारा पैदा करा हुआ अनाज और फोटो खिंचा रहे हैं अपने हंसते हुए कि हम 80 करोड़ जनता को पाल रहे हैं, हम सम्मान निधि दे रहे हैं। महोदय ये सब बंद करो ड्रामा, हमें अपनी फसल का मूल्य दे दो लागत से 1.5 गुना। ये आप जो दे रहे हो काम के बदले अनाज चौधरी साहब ने दिया था 77 में, तुमने 80 करोड़ जनता हराम खाऊ बना दी। ये बेमतलब हमारा धन लूट के और 80 करोड़ आज हमें मजदूर नहीं मिल रहे हैं, उनको ये फ्री में दे रहे हैं, उनकी आदतें खराब कर रहे हैं अपने वोट लेने के चक्कर में। छुट्टा पशु इन्होंने छोड़ रखे हैं, छुट्टा पशु सब फसल को लूट रहे हैं। हम जो गन्ना सप्लाई करते हैं, केसर शुगर मिल भेड़ी है बरेली जनपद में यूपी में, उस पर 250 करोड़ रुपए बकाया है किसानों का। 14 दिन के अंदर गन्ना नियम होता है पैसे देने का, ये पैसा नहीं दिला रहे हैं, ये पूंजीपतियों के इशारे पर चल रहे हैं, ये अडानी और अंबानी के नौकर हैं। इसलिए हमारी लड़ाई मोदी जी से नहीं है, अडानी अंबानी से है, इनको बदलने का संकल्प लेके आए हैं और इनको बदल के ही दम लेंगे। आपने तो उद्योगपतियों से कर ली, उद्योगपतियों के ये नौकरी कर रहे हैं, ये सारी योजनाएं उनके मतलब की बना रहे हैं। उद्योगपति ये चाहते हैं कि किसानों की खेती पे कब्जा हमारा हो जाए और ये हमारे सब मजदूर हो जाएं, ये उनका उद्देश्य है। इसीलिए ये तीन सर कह रहे हैं कि सरकार ना किसानों की है ना गरीब मजदूरों की है, उद्योगपतियों की है, लेकिन सरकार दावा भी कर रही है और वादा भी कर रही है कि इस बार 400 पार। देखिए सरकार उद्योगपतियों की है, किसानों की नहीं है। इन्होंने किसान और मजदूर की हालत ऐसी कर दी, दिखाऊं कैसी कर दी? ऊपर से मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया लग रहा हूँ, और अंदर से देखोगे ना आप, अंदर से देखो, दिखा नहीं, देखो क्या हाल है अंदर से किसान की हालत ये हो गई अंदर से, ये हालत है इस देश के किसान की, नौजवान की। ऊपर से अच्छा लग रहा है, इतना खोखला इन्होंने इस देश के किसान को कर दिया है, और सिर्फ ये देश को मैं कह रहा हूँ, वो जो थैले वाली बात कही थी ना, हम तो थैला उठा कर भाग जाएंगे, उस थैले में इस देश को बेचने के कागज होंगे, बाकी कुछ नहीं होने का, और भाग जाएंगे। देश इतनी बड़ी खाई में गुजर गया, चला गया है कि आप पूछो मत, अब कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, जन जन को रोड पर उतरना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया है, उस संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए हमें इस देश को बचाना होगा। ये जिम्मेदारी किसी उद्योगपति की नहीं है, MP MLA की नहीं है, किसी की नहीं है जिम्मेदारी, किसान की, नौजवान की और मजदूर की, बाकी किसी की नहीं। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने चढ़ बढ़ के चला, बाकी किसी ने। धन्यवाद तमाम लोगों से बातचीत करते, किसान है। हालांकि देखिए इतिहास भी गवाह है कि जब जब किसान या फिर युवा सड़कों पर आ जाते हैं तो फिर सरकार बदल जाती है, लेकिन उससे पहले अगर किसानों के भीतर ये नाराजगी है सरकार को लेकर, मौजूदा सरकार के खिलाफ किसान है, तो फिर इसका खामियाजा चुनावों में कितना भुगतना पड़ेगा देखना होगा। लेकिन किसान मांग को लेकर आए हैं MSP पर गारंटी, ये गारंटी कब मिलती है देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत।